6 जुलाई 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ख़त में यह मुतालबा किया गया कि अजान इलाही उर्फ अब्दुलरहमान सल्फी को गिरफ़्तार किया जाए, जबकि शियालमा कौंसिल की जानिब से 9 जुलाई को इस मलाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल थी जिसके बारे में वो ज़्यादातर मोमिनीन को ना बता सके। अलबत्ता हमने अपने प्लेटफॉर्म से इस एहतजाज के बारे में लोगों को आगाह करना शुरू किया तो लोगों ने हमसे सवाल किया कि यह एहतजाज कहाँ पर होगा, जिसका जवाब हम इसलिए ना दे सके क्योंकि शियालमा कौंसिल की जानिब से कोई भी एक मखसूस जगह नहीं बताई गई थी। एहतजाज से एक दिन पहले एक मखसूस जगह के बारे में बताया गया कि वहाँ पर रैली भी निकाली जाएगी और एहतजाज भी होगा। बाद में इस बात का पता चला कि वहाँ पर पंखों के साए तले मस्जिद में बैठकर एहतजाज हो चुका है और रैली इसलिए मुलतवी कर दी गई है क्योंकि अजान इलाही उर्फ अब्दुलरहमान सल्फी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या ये उसी किस्म की गिरफ्तारी थी जो कि कुछ अर्सा पहले अशरफ जलाली की गई, जिसे 2 से 3 माह के लिए जेल में रखने के बाद बेल पर रिहाई मिल गई और अब उसका केस पेंडिंग पर है? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो बदतरीन गुस्ताखी की गई उसका ऑडियो क्लिप यहाँ पर चलाना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या ऐसा करना ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि हम किसी एक जगह पर इकट्ठे होकर तब तक एहतजाज करते जब तक कोई ऐसा बिल पेश ना किया जाता जिसमें वाज़ह होता कि आइमा के ख़िलाफ़ जिसने भी गुस्ताखी की उसको फिल फोर सज़ा दे दी जाएगी। इसके बाद प्रेस क्लब लाहौर के बाहर भी 4 बजे शाम एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन इस एहतजाज में कितने मोमिनीन ने शिरकत की वो आपके सामने वाज़ह है। लाहौर में ज़दारे मज़लूम करबला किस कसीर तादाद में मौजूद हैं या हम 9-10 मुहर्रम के जुलूसों में और 21 रमज़ान के जुलूसों में भी देख चुके हैं, लेकिन 3 इमामों की शान में गुस्ताखी और इमाम ज़माना की वालदा की शान में बदतरीन गुस्ताखी के इस तारीखी वाक़े पर हम बाहर क्यों ना निकल सके? हमें ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये इंटरव्यूज़ के क्लिप शायद ही कभी टीवी पर आएँ।